बिजनौर गुलदार ने खेत पर काम कर रहे किसान की गर्दन दबोची, बाल बाल बची जान, गांव में दहशत। बड़ी खबर बिजनौर उत्तर प्रदेश की है। अपडेट 29 दिसंबर 2019। पूरी खबर बिजनौर जनपद में मंडावर थाना क्षेत्र में गुलदार ने गांव रतनपुर रियाया एवं मोहड़िया के बीच डेरा डाल दिया है। रविवार को दोपहर इस गुलदार ने मंडावर में खेत पर काम कर रहे एक किसान पर हमला बोल दिया। गुलदार ने किसान की गर्दन दबोचनी चाही, लेकिन गनीमत रही कि किसान की लोई गुलदार के पंजे में आ गई और वह किसान की जान बच गई। उधर जानकारी मिली है कि SDM सहित वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बता दें कि गुलदार इससे पहले भी इस गांव में गांव मोहड़िया में शरीफ को खेत में काम करते हुए मार डाला था। इसके बाद गुलदार ने मोहड़िया से आगे गाँव रतनपुर में भी किसान पर हमला करने की कोशिश की। शुक्रवार को गुलदार ने फिर से गाँव मोहड़िया में दो कुत्तों को निवाला बना लिया था। आगे खबर है कि गुलदार के गांव के पास में डेरा डालने से वन विभाग चौकस हो गया है। गुलदार को पकड़ने के लिए गांव मोहड़िया के जंगल के बीच में ही पिंजरा लगाया जा रहा है। वन विभाग की टीम को मोहड़िया के जंगल में गुलदार दिखा भी है और शनिवार शाम को वन विभाग की टीम ने गुलदार फिर से वहीं दिखाई दिया है जहाँ उसने शरीफ को मारा था। मोहड़िया एवं रतनपुर के बीच करीब 2.5 किलोमीटर का फासला है। यहाँ पर नीलगाय आदि शिकार भी काफ़ी संख्या में हैं। विभाग के अफसरों का मानना है कि यहाँ गुलदार ने जंगल में ठिकाना बना लिया है। रुकता विभाग चाहता है कि 1-2 दिन में ही गुलदार को पिंजरे में किसी तरह पकड़ लिया जाए। दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको स्टे न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और आपको आगाह किया जा रहा है कि बिजनौर क्षेत्र के जितने भी किसान लोग हैं वो चौकस होकर जंगल में जाएँ ताकि इसके निवाला ना बन सकें, क्योंकि ये इस वक्त भयंकर अपने आक्रोश में चल रहा है ये गुलदार। दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको स्टे न्यूज़ चैनल